फायर, कोविड एक फॉरेस्ट फायर ही है, बट ये हमेशा एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सेंटर है, उसको अटैक करते हैं. अब मतलब अभी अगर हम देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जिम सेंटर्स हैं, उनमें तो बड़ी भीड़ है. अप्रैल का अप्रैल आने वाला है, ट्यूलिप स्टार्ट हो रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट होगा, वहाँ भी बड़ी भीड़ है. या स्टीम मॉल हम न्यू ईयर की बात करेंगे, तब भी तो बड़ी भीड़ थी, तब क्यों नहीं ये कभी कुछ बोलते उनके बारे में? हमेशा एजुकेशन सिस्टम पे ये अटैक करते हैं. हमें क्या होगा आगे इससे? हमारा हम कुछ बनेंगे? लाइक हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. हमने कुछ महीना हम महीना हो गए हमें नीट क्लासेस देते हुए, हम क्या करेंगे आगे? हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल हमें शॉर्ट में गवर्नर जी से अपील है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हम बहुत ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स आर हेयर, रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट, मेहरबानी करके एजुकेशन सिस्टम हमें बंद मत कीजिए. हमारी ट्यूशन क्लासेस प्लीज़ मेहरबानी करके वो कंटिन्यू कीजिए, हमें पढ़ने दीजिए, ताकि हम आगे चल के अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट थोड़ा प्राउड कराएं. घर जाके हमें फिर घर पे बैठ के हम पागल हो गए 3 साल से. हमें ये अपील है हमारा एजुकेशन सिस्टम पे प्लीज़ कुछ असर ना आने दें. हमने बहुत सहा है 3 ईयर, इससे बहुत डिप्रेशन मिलता है, मेंटल ट्रामा, आइस पे इफेक्ट, हेल्थ पे इफेक्ट, और यही है प्लीज़ हमारे एजुकेशन बंद ना करें. हमारे ट्यूशन सेंटर्स जो हैं स्टार्टिंग में ही हमें मास्क के बिना नहीं अलाउ करते, 3 दिन पहले ही हमें वैक्सीन उस तरीके, और हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन साथ होती है, सैनिटाइजर जो है हर एक के बैग में होते हैं, तो वी प्रॉपरली सैनिटाइज आर सेल्फ. हर कोई बच्चा करता है सैनिटाइज, तो हम भी ले रहे हैं इनिशिएटिव. हमने वैक्सीन किया है, हेल्थ से एजुकेशन से ये इंपॉर्टेंट हेल्थ है, तो हम देख रहे हैं अपने हेल्थ का, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट आर स्टडीज और देयर. ठीक है, तो हम कर रहे हैं साथ में वो भी, बट आप लोग भी अगर, हम भी कर रहे हैं अपनी हेल्प, हम भी अपना ख्याल रख रहे हैं, बट अगर आप लोग भी हमारी हेल्प करेंगे, एजुकेशन सेंटर बंद ना करें, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, एंड फर्स्टली आई वांट टू से कि लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है? जब वैक्सीनेशन का बोला, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आई, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में से, क्योंकि हम बच्चे थे, तो कोचिंग सेंटर, स्कूल सबसे पहले थे जिन्होंने हेल्थ वर्कर्स को बुलाया, वैक्सीनेशन कराई. हमारी जो सारी फैकल्टी है, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी वैक्सीनेटेड है, सारे बच्चे वैक्सीनेटेड है हम लोग, और हमारे कोचिंग सेंटर में कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, SOPs फॉलो होते हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन कराई जाती है. तो फिर लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? जब एग्ज़ाम्स थे तब भी तो कितने सारे केसेस आए, तब तो डेथ्स भी हो रही थी, तब तो ओमिक्रॉन नया आया था, और तब साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा था कि ये डेडली नहीं है, तब था कि ये सिर्फ एक नया वेरियंट है. लेकिन तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया कि एग्ज़ाम मत लो, और तब तो बर्फ भी थी ना, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड में ये ज़्यादा म्यूटेट होता है. लेकिन तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया, कोई भी मेजर्स नहीं लिए इसके खिलाफ, और अब जबकि हमें पढ़ना है, तब गवर्नमेंट बोल रही है नहीं लॉकडाउन करो. ऐसे बच्चों को कितना डिप्रेशन होता है. एज अ स्टूडेंट आप अभी एजुकेशन स्टेटस को कहाँ पे देखते हैं इस टाइम पे? मुझे तो लगता है जीरो पे, जीरो पे. कहाँ कब पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? 2019 से करते हैं ऑनलाइन क्लास में, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रहता है, और दो हमारे टीचर्स बेस्ट ट्राई करते हैं कि हमें आए, बट हमें नहीं, और उससे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और ये कश्मीर है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, यहाँ पर आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, हर बच्चों के पास तो वाईफाई नहीं है ना. एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अपने आप को कैसे देखते हैं आप, बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे कंट्री में? वेरी लो, वी कांट कम्पीट विद देम. थैंक यू. और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आप देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेकंड लाइन पे उन्होंने लिखा है जिम सेंटर, सिनेमा हॉल 25% गैदरिंग अलाउड है. ये कौन सा एजुकेशन के साथ ये जस्टिस हुआ सर? आप जिम ओपन कर रहे हो, आप सिनेमाज ओपन कर रहे हो, आप थिएटर्स ओपन कर रहे हो, आप एजुकेशन क्यों बंद कर रहे हो? इज दिस अ पॉइंट? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अरे हम सब साथ दे रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ होगा सर जब आप एजुकेशन ही बंद करोगे? एजुकेशन सेक्टर कोविड हुआ नहीं अफेक्ट कर सर. डेनमार्क जो और जर्मनी जो लीडिंग है मेडिसिनल कम्युनिटी में, उन्होंने पहले ही कहा कि कोविड के लिए हम वैक्सीन नहीं निकाल सकते, 8 साल उन्होंने डेडलाइन दिया हम नहीं निकाल सकते. मोदी जी ने आज से पहले 2 साल उन्होंने खुद कहा कि हमें इसके साथ जीना है. अब अगर हमें जीना है तो आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हो? आपने वैक्सीनेटेड किया है, पीपल वैक्सीनेटेड है,
हर एक इंसान आज वैक्सीनेटेड है, सर्टिफिकेट साथ है, आप चेक कीजिए, उनको अंदर जाने दीजिए, एजुकेशन को इफेक्ट ना करने दीजिए। फिर बाद में हमें डॉक्टर्स चाहिए, फिर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, फिर जाओ दिल्ली, फिर वहीं पे जाओ इलाज करवाने के लिए, यहाँ कोई रहेगा नहीं सर। हमारी मांगे पूरी करो, एजुकेशन हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।